नमस्ते, उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आप लोगों को इंडियन ओवरसीज बैंक का कैश डिपॉजिट फॉर्म आप कैसे भरेंगे इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको डेट भरना है, जिस भी डेट से आप फॉर्म भरने जा रहे हैं वो डेट लिखेंगे, उसके बाद डेट का लिख देंगे। उसके बाद आपको ब्रांच लिखना है, जिस ब्रांच से आप फॉर्म भरने जा रहे हैं वो ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो फिलहाल मैं निर्मली ब्रांच से फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं अपने ब्रांच का नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि SBCAOD, यानी कि यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर लिखना है। जिस भी के भी अकाउंट नंबर में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है या क्रेडिट कार्ड नंबर में, जो भी अकाउंट है वो उसमें आप पैसे ट्रांसफ़र जिसमें कर रहे हैं उनके अकाउंट नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप अपना उनका अकाउंट नंबर लिखेंगे जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद उनका नाम लिखना है जिनका अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, उनके नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो मैं फ़िलहाल नाम लिख दे रहा हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो जो मोबाइल नंबर है उनका वो मोबाइल नंबर आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी ज़रूरी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन चाहें तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप कितने पैसे भेजते जा रहे हैं वो पैसे लिखेंगे। तो मैं फ़िलहाल 5,000 रुपये भेजने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है, ये हमेशा आपको ध्यान देना है। तो 5,000 रुपये मैं भेजने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 5,000 रुपये लिख दे रहा हूँ, ठीक है मात्र। उसके बाद नीचे चलेंगे तो लिखा हुआ है नकदी या चेक संख्या, तिथि एवं बैंक तथा शाखा का नाम। तो अगर आप चेक के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो फिर आप चेक का नंबर यहाँ पर लिखेंगे, या नकदी भी चाह रहे हैं तो आप नकदी यहाँ नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको तिथि एवं बैंक तथा शाखा का नाम लिखना है। यानी कि जो आज सामने वाले में आप पैसे भेज रहे हैं उनका कौन सा बैंक है, कहाँ का है, वो आपको लिखना है। तो जो उनका बैंक है वो बैंक है आपका दरभंगा का, तो मैं यहाँ पर दरभंगा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और वो इंडियन ओवरसीज बैंक का ही है, तो इंडियन इंडियन ओवरसीज बैंक है, तो मैं इंडियन ओवरसीज बैंक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिजिट में पैसे लिखने हैं, 5,000 रुपये डिजिट में लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कुल करके पुनः आप 5,000 रुपये कर देंगे, और जमाकर्ता का हस्ताक्षर आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, जो पैसे जमा कर रहे हैं वो हस्ताक्षर लिखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ लेफ्ट में चलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है पैन नंबर, तो आपको पैन नंबर देना है। अगर आप 50,000 से ज़्यादा पैसे जमा करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर पैन नंबर लिखना ज़रूरी है। बिना आप पैन नंबर 50,000 से ज़्यादा पैसे आप जमा नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको पैन नंबर देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब चलेंगे, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं यानी कि अगर आप नगद के रूप में पैसे जमा करते हैं तो आप स्वाभाविक है कि आप नोट ले जाएंगे। तो नोट में आप कौन कौन से नोट आप कितने नंबर में ले जा रहे हैं वो आपको लिखना है। तो जैसे कि मुझे मैं 500 जो नोट है वो मैं सारा नोट 500 का ही है, तो मैं 10 नोट ले जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ 10 लिखूँगा। 10 को अगर आप 5 से गुना करेंगे तो वो 5,000 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर 5,000 रुपये करके ऐसे करके पुनः आपको नीचे लिख देना है। और अगर सिक्के ले जा रहे हैं तो सिक्के की संख्या लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप 5,000 लिखेंगे, और इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो ये पहला पार्ट होता है ये फॉर्म भरने का, ये आपका पूरा हो जाता है। पुनः आप अगर लेफ्ट साइड में फिर ना चलेंगे तो पुनः यहाँ पर ब्रांच लिखा हुआ है, यानी कि आप अपने ब्रांच का नाम लिखेंगे, जो भी ब्रांच आपने वहाँ पर डाला था सेम टू सेम। उसके बाद पुनः डेट लिखेंगे, जो डेट वहाँ पर लिखा हुआ है वो डेट आप लिखेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर लिखेंगे, जो अकाउंट नंबर में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो अकाउंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद उनका नाम लिखेंगे जिनके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ पर डाला हुआ था। उसके बाद रुपये लिखना है, कितने रुपये आप पैसे जमा करने जा रहे हैं वो रुपये आप लिखेंगे यहाँ पर पैसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राशि अक्षरों में लिखना है, यानी कि यहाँ पर भी आप 5,000 रुपये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब नीचे चलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेम आपको नेक नकदी चेक संख्या तिथि एवं बैंक, तो आप अगर चेक से जमा कर रहे हैं तब तो इसमें लिखेंगे, अदरवाइज नकदी में आप नकदी करके तिथि एवं बैंक यानी कि जो तिथि दिया हुआ है, और बैंक नाम दरभंगा लिखेंगे जो जिस बैंक में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और बैंक का आप इंडियन ओवरसीज बैंक है तो वही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पुनः आप फिर पैसे रुपये लिखेंगे, कितना रुपया जमा करने जा रहे हैं इसको करके ऐसे करके पुनः 5,000 रुपये कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, ये फॉर्म आपको पैसे के साथ जमा करना है, तो जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में जो अकाउंट नंबर आपने दिया है वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।